शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हिंदी के लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था बोलो? क टू न। तो आपने लिखा वो नोटबुक में, आपके H1 फर्स्ट टर्म की नोटबुक में लिखा आपने, होमवर्क किया आपने? किसने किसने किया बताओ मुझे? आप होमवर्क तो नहीं भेजते हो और किया ऐसे बोलते हो, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे 5 या 6 बच्चे होमवर्क भेजते रोज, बाकी के कहाँ है सब? 30 बच्चों में से बस 5-6 सब बच्चे, आप अपना होमवर्क टाइम से किया करो बच्चों, ओके? तो आज हम सीखेंगे ट टू न पिक्चर्स के साथ। जाओ आपकी नोटबुक खोलो, डेट लिखने की आज की, क्लास वर्क लिखने का, ओके? CW। तो चलो अभी हम लिखेंगे ट, लाइन को टच करके ट। ट से क्या होता है? लाइन ड्रॉ करेंगे। ट से होता है टमाटर। आपको पसंद है? आपको पसंद है टमाटर, ओके? इसके बाद एक लाइन, एक फिंगर छोड़ के लिखेंगे ठ। ठ से क्या होता है? ठठेरा होता है, ठप्पा। तो ठप्पा ड्रॉ करेंगे, ओके? ठप्पा मतलब स्टैम्प। यस, हो गया आपका लिख के। अभी ड। ड से क्या होता है बोलो? चलो जल्दी, आपको आता है ना? डमरू। डमरू, ओके। अभी ड के बाद ढ, ढक्कन। लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे ढक्कन, जो सब्जी मम्मी बनाती ना कढ़ाई की, उसका ढक्कन। यस, आप जब भी हिंदी लिखते हो बच्चे, अब हिंदी लेटर्स, तो हमेशा एक लाइन बीच में के छोड़ेंगे, ओके? और जब आप लेटर्स लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस रखेंगे एवरी टाइम, याद रखने का। और न से क्या होता है? बान। आपने देखा है कभी बान को? ओके, अभी आएगा त। त से क्या होता है? तलवार। करेक्ट। चलो, ड्राइंग की आपने तलवार की? ओके, अभी थ। थोड़ा से क्या आता है बताओ मुझे? थाली। थाली मतलब प्लेट, ओके? अभी द। द से क्या आता है? दरवाजा। यस, हमारे घर का मेन डोर दरवाजा। हमारे घर में कितने दरवाजे हैं? आपके घर में कितने हैं बोलो? चलो, अच्छा 4 है, ओके। द से दरवाजा, ओके। अभी है ध। ध को ऐसे लिखने का। ध से क्या होता है बोलो? धनुष। ड्राइंग कैसे करेंगे हम?
ओके एंड ध के न, न से क्या होता है बच्चे? नल, पानी का नल। तो हम ड्रॉ करेंगे आपको अभी नल। नल, पानी का नल। तो चलो मेरे साथ बोलो अभी त से टमाटर, ठ से ठप्पा, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाल, त से तलवार, ध से थाली, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। तो ये था हिंदी का सेकेंड पार्ट न तक। आप नोटबुक में लिखेंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे, फोटो को स्कैन करके मिस को भेजेंगे ईमेल आईडी। ओके, और अटेंडेंस लगाना मत भूलना। ओके, थैंक यू।